छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौतों पर सियासत खूब गर्म है। सड़क पर रैली निकल रही है तो विधानसभा सदन में धरना दिया जा रहा है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। चुनावी मौसम में मौतों पर सियासत के आखिर क्या मायने हैं, देखिए विशेष रिपोर्ट। एक जिला दो मामले, इन दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ की सियासत उबल रही है। सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। सीएम मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 14 जनवरी को कबीरधाम के नागजबरा में एक ही परिवार के तीन बैगा आदिवासियों हिरमती, उनके पति बुधराम और बेटे जोनहू बैगा का जलाशव मिला। पहले इसे आगजनी का मामला माना गया, शव का अंतिम संस्कार हो गया, प्राकृतिक आपदा मानकर मुआवजा भी बट गया, लेकिन 37 दिनों बाद मामले का खुलासा हुआ। 14 जनवरी को नगरा डबरा कुकदूर थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहां पर देर रात सुबह जो है तीन पति पत्नी और बच्चे की जली हुई हालत में डेड बॉडी मिली। पत्नी और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, हड्डी बन चुकी थी। जो पुरुष की डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें जल के मरने की बात एंटीमार्टम बर्न आया। वहां पर टंगिया था, बर्तन थे, उनमें खून के पोछे हुए निशान जो है वो देखे जा रहे थे। उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, दुर्ग से फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। फोरेंसिक टीम द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि छत में आग लगी, छत में आग लगने से लकड़ी गिरने के कारण जल के संभवतः इनकी जान गई होगी। लगातार गांव में ये बात सामने आ रही थी कि छठी में कुछ लड़ाई हुई थी और उसके बाद कुछ गांव वालों ने मिलकर हत्या कर दी होगी, ऐसी बात गांव में चल रही थी। हमने पूछताछ के लिए 6 संदेहियों को बुलाया था लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं माना था। अभी एक संदेही जो था उसके शर्ट में लाल रंग के निशान दिख रहे थे जो संभवतः खून के हो सकते थे, तो उसके शर्ट और पैंट को हमने, जैकेट को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। कल फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसमें जो संदेही था उसका ब्लड पॉजिटिव पाया गया। शर्ट के ऊपर जो बर्तन और टंगिया में ब्लड पॉजिटिव पाया गया। जो पड़ोसी थी उससे जब दोबारा स्टेटमेंट लिया गया तो उसने माना कि रात में 2 बजे जब वो टॉयलेट करने गई थी तो उसने बचाओ बचाओ करके बात सुनी थी। 20 जनवरी को लालपुर कला में 50 साल के साधराम यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले में एक नाबालिग सहित 5 आरोपी थे। 28 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों के संबंध आतंकी संगठन से होने का दावा किया और उन पर UAPA भी लगा दिया। दोनों मामलों की गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुनी गई। स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 4-6-4 के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ही है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही, वही हम जानना चाहते हैं कि किसके षड्यंत्र से, किसका षड्यंत्र है और कौन दबाना चाहता है, किसको बचाने के लिए सब कोशिश की गई। और गिरफ्तारी तो कल हुई, जब हम लोग स्थगन लगाए तब जाके गिरफ्तारी हुई, इसके पहले नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि यादव समाज के एक परिवार, कवर्धा निवासी, मैं उस परिवार से मिलने गया। साधराम यादव की जिस तरीके से 1 महीने पहले निर्मम हत्या की गई और उसके बाद प्रदेश की सरकार ने आश्वस्त किया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया, यादव परिवार को, यादव समाज को ठगा जा रहा है और जिस तरीके से पूरे मामले को दबाया जा रहा है, ये देखने के बाद हम सब विधायक मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आज भी इसके खिलाफ एक बड़ा आक्रोश रैली कवर्धा में हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सरकार जिस तरीके से राजनीतिक भावना के हिसाब से निर्णय लेती है, जब उसको राजनीतिक फायदा उठाना होता है तो कोई निर्णय ले लेती है, जब नहीं तो उसको दबाने की कोशिश करती है। हम दबेंगे नहीं, पूरा यादव समाज आक्रोशित है और सरकार अगर साधराम यादव हत्याकांड में न्याय नहीं देती है, परिवार को सरकारी नौकरी नहीं देती है, सम्मानजनक मुआवजा नहीं देती और CBI जांच नहीं कराती, तो हम इस सरकार को वो
हम करके दिखाएंगे। संपूर्ण यादव समाज एकत्रित होगा और इस सरकार को झुकाकर दिखाएगा, और इनके अंदर सरकार में जो दबाव बनाया जा रहा है यादव समाज के ऊपर और उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसका बदला हम सब यादव समाज मिलकर लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसे ही दो मौतों पर तब विपक्षी दल बीजेपी का आक्रामक रवैया देखने को मिला था। आठ अप्रैल 2023 को बेमेतरा के बिरनपुर में सांप्रदायिक विवाद में साहू परिवार के 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया। एक मुस्लिम परिवार में मां बेटे की हत्या हो गई। मौजूदा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। सोलह सितंबर 2023 को भिलाई में खुर्सीपार गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान कुलवंत सिंह के बेटे मलकीत सिंह की भी हत्या कर दी गई। सिख समुदाय आक्रोशित था, थाने में धरना प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के स्थानीय और राज्य स्तर के नेताओं ने इसका खुलकर समर्थन किया। तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाकर 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिलवाया गया। इसे महज इत्तेफाक कहें या फिर मौके की नजाकत, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में न सिर्फ मौतों पर सियासी हंगामा हो रहा है बल्कि जाति और धर्म का रंग भी दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 4-6-4 के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ही है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही, वही हम जानना चाहते हैं कि किसके षड्यंत्र से, किसका षड्यंत्र है और कौन दबाना चाहता है, किसको बचाने के लिए सब कोशिश की गई। और गिरफ्तारी तो कल हुई, जब हम लोग स्थगन लगाए तब जाके गिरफ्तारी हुई, इसके पहले नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि यादव समाज के एक परिवार कवर्धा निवासी, मैं उस परिवार से मिलने गया। साधराम यादव की जिस तरीके से एक महीने पहले निर्मम हत्या की गई और उसके बाद प्रदेश की सरकार ने आश्वस्त किया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन एक महीना हो गया, यादव परिवार को, यादव समाज को ठगा जा रहा है और जिस तरीके से पूरे मामले को दबाया जा रहा है, ये देखने के बाद हम सब विधायक मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आज भी इसके खिलाफ एक बड़ा आक्रोश रैली कवर्धा में हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये सरकार जिस तरीके से राजनीतिक भावना के हिसाब से निर्णय लेती है, जब उसको राजनीतिक फ़ायदा उठाना होता है तो कोई निर्णय ले लेती है, जब नहीं तो उसको दबाने की कोशिश करती है। हम दबेंगे नहीं, पूरा यादव समाज आक्रोशित है और सरकार अगर साधराम यादव हत्याकांड में न्याय नहीं देती है, परिवार को सरकारी नौकरी नहीं देती है, सम्मानजनक मुआवजा नहीं देती है और सीबीआई जांच नहीं कराती, तो हम इस सरकार को हम करके दिखाएंगे। संपूर्ण यादव समाज एकत्रित होगा और इस सरकार को झुकाकर दिखाएगा और इनके अंदर सरकार में जो दबाव बनाया जा रहा है यादव समाज के ऊपर और उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसका बदला हम सब यादव समाज मिलकर लेंगे। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है, और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही है, UAPA लगा है, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती, उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए अप्रोप्रिएट होगी, इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ने पर। छत्तीसगढ़ में कुछ मौतों पर सड़क से सदन तक हंगामा कर माननीयों की मंशा भले ही पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को भी नकारा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा करीब 30 लाख साहू रहते हैं।
बिलनपुर में भुवनेश्वर साहू की मौत को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया और मृतक के पिता ईश्वर साहू को साजा से प्रत्याशी, ईश्वर सहित बीजेपी के 6 साहू प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में जीत मिली। छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति यादव है। राज्य में यादवों की संख्या करीब 22 लाख है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है। 32% आबादी आदिवासियों की है। विधानसभा में 90 में से 29 और लोकसभा में 11 में से 4 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक विवाद को भी मुद्दा बनाया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौतों को कंधा बनाकर छत्तीसगढ़ में जाति और धर्म की राजनीति की जा रही है। अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 के बिरनपुर में साहू, भिलाई में सिख, कबीरधाम में यादव और बैगा आदिवासी परिवार के कुल 4 हत्या प्रकरणों पर मचे सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ में 2021 से 2023 तक अपराध के इन आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए। राज्य में 2021 से 2023 के दौरान हत्या, लूट और रेप के 9,295 केस दर्ज हुए। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 2,967 हत्या और 4,903 रेप के केस दर्ज हुए। विधानसभा के चुनावी साल 2023 में ही हत्या के 947 मामले पुलिस ने दर्ज किए। 3 सालों में हत्या और रेप के 600 से अधिक प्रकरणों में आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छत्तीसगढ़ में मौतों पर सड़क से लेकर सदन तक चल रही राजनीति का क्या लाभ सच में पीड़ितों को मिलेगा या फिर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ही इससे अपना पेट भरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।